नमस्कार। नए साल में लोग तरह तरह के संकल्प लेते हैं। कोई कहता है मैं सुबह उठकर रोज एक्सरसाइज करूंगा, कोई कहता है मैं सुबह उठकर रोज योग करूंगा, कोई नए नए संकल्प, कोई नए नए लक्ष्य लेता है कि इस साल में मेरे को यह लक्ष्य तय करना है। कोई स्टूडेंट संकल्प लेता है रोज सुबह उठकर मैं पढ़ाई करूंगा। लेकिन आपको पता है सिर्फ गिने चिने लोगों का ही संकल्प पूरा होता है। बहुत से जनों का संकल्प तो साल के चार या पांच दिन, शुरुआत के चार या पांच दिन में ही टूट जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आप ऐसा क्या करें कि आपके संकल्प टूटे ना, आपके संकल्प बने रहे और वो संकल्प आप प्राप्त करो जो आपने पाए हैं। उस संकल्प को कैसे वापस रीस्टार्ट करें? अगर आपने कोई संकल्प लिया है नए साल में, वो टूट चुके हैं, लेकिन उनको रीस्टार्ट कैसे करें? सबसे पहले तो अपनी इच्छा को ठीक तरह से पहचान लें। आपने जो संकल्प लिया है, क्या उस संकल्प में आपकी 100% इच्छा है पूरी करने की? आपको पता है कि अगर यह संकल्प लिया है तो मुझे कितनी तरह की परेशानी आएगी? आपके अंदर एक जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी है उस संकल्प को पूरा करने की? इसलिए जब भी कोई आप संकल्प लें तो उस संकल्प को अच्छी तरीके से परख लें और अच्छी तरीके से जान लें कि क्या आपकी 100% इच्छा है इसे पूरा करने की, तभी वो संकल्प आपका पूरा हो पाएगा। सेकंड, केवल एक या दो संकल्प ही चुने। आप नए साल में तरह तरह के संकल्प न ले, कोई चार पांच संकल्प लेता है, कोई कितने संकल्प लेता, नहीं, एक या दो संकल्प, और उन संकल्प को पूरा करके बताए। अगर आप चार या पांच संकल्प कर लेंगे ना, तो ना तो आप चार या पांच को समय नहीं दे पाओगे और वो चार या पांच संकल्प में से आपका एक भी संकल्प पूरा नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखें, संकल्प हमेशा एक या दो ही रखें, तभी आपके संकल्प पूरे होंगे। थर्ड, संकल्प के साथ में समर्पण होना जरूरी है। आपने कोई संकल्प लिया, आपने कोई लक्ष्य लिया है नए साल में, तो उसके साथ में 100% आपका समर्पण होना जरूरी है। अगर उस संकल्प के साथ में आपका समर्पण नहीं है ना, तो आप संकल्प कभी पूरा नहीं कर पाओगे। समर्पण किसी भी चीज के प्रति होना बहुत ही जरूरी है। बिना समर्पण के आज दिन तक इतिहास में कोई न कोई लक्ष्य नहीं पा पाया है। इसलिए समर्पण रखें हर चीज के लिए। फोर्थ, अपनी प्रोग्रेस को नियमित ट्रैक करें। अगर आपने कोई संकल्प लिया है ना, तो उसको नियमित ट्रैक करें कि आज मैंने इतना किया है, कल मैं और बेहतर करूंगा, परसों मैं और इससे बेहतर करूंगा। उसको नियमित ट्रैक करते रहें। आप धीरे 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 ऊपर बढ़ने की कोशिश करें, धीरे धीरे नीचे बढ़ने की कोशिश न करें। अपने संकल्प के साथ में धीरे धीरे ऊपर बढ़ने की कोशिश करें। कोई बात नहीं, आपको टाइम लग सकता है, लेकिन समय दें और अपनी प्रोग्रेस को नियमित ट्रैक करें, आपका संकल्प जरूर पूरा होगा। फिफ्थ, लक्ष्य नहीं रास्ते बदले। आपने कोई लक्ष्य तय किया है कि आज के इस साल मुझे यह करना है, आपको महीना दो महीना बहुत मुश्किलें आई, लेकिन अगर आपको कहीं ये लगे कि यार ये लक्ष्य मेरे लिए नहीं है, तो वो लक्ष्य ना बदले, रास्ते बदले। हो सकता है कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हो वो रास्ता आपके लिए गलत हो। तरह तरह के नए तरीके अपनाएं, तरह तरह के नए आइडिया अपनाएं, लेकिन लक्ष्य ना बदले। आप हर बार जब ऐसे ऐसे बार बार लक्ष्य बदलोगे ना, तो आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। हर लक्ष्य के प्रति धैर्य रखें, और अगर आपको उस लक्ष्य के प्रति कोई असफलता मिल रही है, तो देखें वो असफलता क्यों मिल रही है, किस कारण से मिल रही है, उस असफलता को दूर करने की कोशिश करें। तो ये बातें हैं, ये अपना लें, आपका कोई भी संकल्प नहीं टूटेगा, और टूट भी जाए तो इन बातों से वापस रीस्टार्ट हो जाए।